हम आपको आज बताएंगे कि ये मोटर है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं इस कूलर का। तो सबसे पहले हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हमारे इस बोर्ड में सप्लाई आ रही होगी तो उसको चेक करने के कितने तरीके हैं। तो हमने आपको बताया था तीन तरीके हैं। पहला क्या है, हम इस टेस्टर से क्या करेंगे, सप्लाई को चेक करेंगे। पर इस टेस्टर से सिर्फ हम क्या चेक कर सकते हैं, इस पर हम फेस को चेक कर सकते हैं, न्यूट्रल को नहीं चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था कि इस लैंप होल्डर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड में सप्लाई चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तीसरा तरीका हमने ये बताया था, आपके पास इस तरीके से एक डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, हम आपको क्या करेंगे अब इन टूल की सहायता से यहाँ पे आपको कनेक्शन करके बताएंगे। ये हमारे पास एक फ़ैन है, ये हमारे पास एक फ़ैन है इसके, और दूसरा हमारे पास एक वाटर पंप है। इन दोनों के कनेक्शन हम आपको इस बोर्ड में बताएंगे, और इस बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि फेस को उपस्थित करके बताएगा कि हाँ इस पर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। पीछे कुछ इस प्रकार से इसमें दिया गया है जो कि हमें कनेक्शन करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं, जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन की ये हमारे वायर हैं, दो वायर हैं फेस और न्यूट्रल का। ठीक उसी तरीके से एक वाटर पंप का एक ये वायर है जिसमें भी दो वायर हैं, जिनको हमने इस क्रम में छील रखा है आगे और पीछे, मतलब अगर ये टच भी हो तो हमारे शॉर्ट ना हो। सेम वही चीज़ हमने इसमें भी किया है। ठीक है, ये हमारी दो केबल हो गई, एक मोटर की और एक ये पंप वाले मोटर की। दूसरी हमारे पास एक ये पावर केबल है मेन की, जो कि हम इस कूलर को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। इसको हम थोड़ा और आगे यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब सबसे पहले इस पर समझते हैं, इस पर दो हमारा स्विच दिया गया है और एक हमारा इंडिकेटर है। पीछे हम इसके पहले कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पावर केबल आ रही है, इस पावर केबल को क्या करेंगे, इस पर हम सप्लाई देंगे। इस पे सप्लाई देने के लिए हमें इंडिकेटर पे फेस और न्यूट्रल देना रहेगा, और जो हमारे पास ये स्विच है इस पे हमें सप्लाई देनी रहेगी फेस की। तो हम इसका आपको कनेक्शन करके बताते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टे क्रम में रख लेंगे, और इस टेस्टर की सहायता से क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। हमारी जो मेन केबल है, इस मेन केबल को हम इन जो हमारे पास ये स्विच लगे हुए हैं और ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इस पर क्या करेंगे, हम इसको तीनों को एक साथ शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के लिए हम एक अलग से वायर लेंगे, ये हमारे पास एक अलग से वायर है जिसको हम पूरा छील लेंगे इस कटर की सहायता से। यहाँ से हल्का सा छील के इस तरीके से पकड़ के और ऐसे बढ़ा देंगे, इसको चेक करेंगे। अब ये छोटा है और छीलना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करके इस तरीके से छील देंगे। ये हमारे पास वायर छील गया है, इसको हम नाप लेंगे साइज का है, इसको हम ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा ऐंठ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से क्या हो गया, ऐंठ गया। ऐंठने से क्या है, जो हमारे पास वायर हैं पतले पतले से, वो इधर उधर भंगेंगे नहीं और अच्छे से लग जाएंगे। इसको हम यहाँ से नाप के इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, हमने ये देखो काट दिया है इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, लूज करके इस टेस्टर की सहायता से लूज करेंगे। ठीक है, लूज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे से चेक कर लेंगे मोटर का कौन सा है और पंप का कौन सा है। ये हम इसको नीचे वाले टर्मिनल पे शॉर्ट करेंगे, ये हमने लूज कर लिया है, इसको यहाँ से सीधा डालेंगे। हमने इन दोनों स्विचों को एक पतले से वायर से शॉर्ट कर लिया है, और इस फेस वाले वायर को इंडिकेटर में लगा के उसको अच्छे से टाइट करेंगे। ठीक है, वायर को अच्छे से ट्विस्ट करके लगाना है ताकि वो लूज ना रहे। ठीक है, हमने नीचे से इसको क्या दे दिया, फेस दे दिया। अब इसको हमारे पास जो ये पंप है और ये जो मोटर है उसको भी न्यूट्रल देना रहेगा।
अब क्या करेंगे, ऊपर से दिखाना है। ये जो हमारे पास मेन मोटर है, इस पर हम क्या करेंगे, एक वायर को इस पर लगाएंगे। मेन मोटर के लिए हमने आपको बताया था, ये हमारा मेन मोटर है। मेन मोटर के लिए हम ये वाला वायर यूज करेंगे। इसको हम ट्विस्ट करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे पकड़ना, यहाँ से इसको हम ऐसे लूज करके इसके टर्मिनल पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने लूज करके इसके टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर दिया इसके ऊपर वाले स्विच पे। ठीक है, अब इसका एक ये वायर बचा। ठीक है, दूसरा वायर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पंप है, पंप की मोट जो केबल है वो पतली है, इसको भी ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, ऊपर वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक ये फैन का वायर बचा और एक ये हमारे पास पंप का वायर बचा। इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, एक साथ ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास मेन केबल का ये न्यूट्रल आया है, इस न्यूट्रल को भी इसके साथ हम क्या करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे। इसको यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा इस फैन को भी सप्लाई चली गई और इस पंप को भी सप्लाई चली गई। अब अगर हम चलाना चाहेंगे तो ये हमारा फैन चलेगा और ये हमारा पंप चलेगा, लेकिन इंडिकेटर अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने उसको न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लूज करेंगे। लूज करने के बाद हम इसको यहाँ से लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से टाइट कर दिया। ये हमारे कनेक्शन कुछ इस प्रकार से हैं, पास से दिखाओ थोड़ा, इस प्रकार से हमने इन कनेक्शन को किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा इस फैन का है, इसको भी दिखाओ, थोड़ा दूर से बनाओ। ठीक है, ये हमारा इसका है स्विच और ये हमारा पंप का है। इस तरीके से हमने मेन केबल को सप्लाई दिया, इस स्विच के नीचे दिया और न्यूट्रल हमने क्या दिया, इसके ऊपर दिया इंडिकेटर के, और हमने यहाँ से इसको कंट्रोलिंग के लिए ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा ये बोर्ड है और ये इसकी मेन केबल है। अब इस मेन केबल को सबसे पहले इसको हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करेंगे। ये हमारे पास एक टेस्टिंग लैंप है, इस टेस्टिंग लैंप के दो वायर हैं जैसा कि हमने बताया था आपको पहले। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस वाले पे, और कनेक्ट करने के बाद एक वायर से क्या करेंगे, इसको दूसरा वायर लेंगे इस तरीके से, दूसरे वायर को क्या करेंगे, छीलो उसको, बस अब छील के उसमें लगाओ, इसे ट्विस्ट करो ऐसे, और इसमें देखना छुए ना, इस तरीके से लगाने के बाद इसको ऐसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, हमने कनेक्शन तो इसके सारे कर लिए हैं, लेकिन इस टेस्टिंग लैंप से पहले चेक करेंगे कोई हमारा कनेक्शन गलत तो नहीं है। हमने स्विच को क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे। इसकी जो सप्लाई है, इस पर हम सप्लाई चेक करेंगे। देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा फ़ैन भी चल रहा है और पंप भी चल रहा है, दोनों चीज़, और लाइट भी हमारी जलेगी। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कनेक्शन सही है। हाँ, बल्ब स्लो इसलिए जल रहा है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमारा मोटर में भी हो रहा है और वाटर पंप में भी हो रहा है। अगर हम इसके स्विचों को बंद कर देंगे तो हमारा ये लैंप नहीं जलेगा, और जलेगा भी तो सिर्फ इंडिकेटर जलेगा वहाँ पे। ठीक है, इंडिकेटर सिर्फ जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। ये ज़्यादा देर पानी में अगर चलाएंगे विदाउट पानी के तो खराब। हाँ, तो बिना पानी के अगर हम वाटर पंप को चलाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से टेस्टिंग कर ली है। इसके स्विचों को ऑन करके फिर हम आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं। डायरेक्ट चलाने के लिए हम स्विच को बंद रखेंगे और इस प्लग टॉप को इस पर लगाएंगे और हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सप्लाई है। इसको बंद करके स्टार्ट किया है, हमने इस मेन केबल को इस बोर्ड में लगा दिया है, जो कि सप्लाई अब हमारी यहाँ पे आ जाएगी जैसे हम इसको ऑन करेंगे। सप्लाई आ गई और हमारा फ़ैन चालू हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर बंद करना चाहेंगे तो बंद हो जाएगा।
ठीक है। अगर वाटर पंप चलाना चाहेंगे तो यहाँ से वाटर पंप चलेगा, आपको साउंड समझ में आ रहा होगा। पंप चलाना चाहेंगे फ़ैन, तो ये हमारा फ़ैन चल रहा है। इस तरीके से हमने इस कूलर के कनेक्शन किए मोटर और पंप के और एक इंडिकेटर के साथ, इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।